और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी के रामपुर से। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ उनकी पत्नी तांजिम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सभी को 2 मास तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले बुधवार को आजम खां के साथ पत्नी तांजिम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया था। आजम खां ने ADJ 6 के कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि आजम खां ने 20 मामलों में जमानत याचिका दायर की थी। कई मामलों में तो जमानत मंजूर हो गई, लेकिन बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के मामले में धारा 420 के तहत मामले में जमानत याचिका खारिज की गई है। SP रामपुर ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। आजम को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जेल में रखा जाएगा। सरेंडर उन्होंने किया है और सभी के मामलों में अलग अलग तारीखें लगी हैं। जिन मामलों में कम सजा है उनमें नजदीक की तिथि लगी है और जिन मामलों में गंभीरता है उनमें ज्यादा तारीख लगी है, लंबी तारीख लगी है। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक कि प्रत्येक मुकदमे में जमानत नहीं हो जाती। अगर एक भी मुकदमे में ये रह जाते हैं तब तक ये अभिरक्षा में ही रहेंगे। तो गंभीर मामला कौन सा है? गंभीर मामले बहुत है, 420, 467, 468, फर्जी प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पैन कार्ड, इस तरह बहुत सारे मामले 171 जी इलेक्शन से संबंधित हैं। और भी जनता के द्वारा लिखाए गए सभी मुकदमों में जिनमें आरोप पत्र आ चुके हैं और जिनमें आरोप पत्र आना शेष है उन्होंने सभी में सरेंडर किया, उन्हें आज न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। जिन मामलों में आरोप पत्र ऑलरेडी कोर्ट में आ चुके हैं उन सभी मामलों में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। बाकी जिन मामलों में आरोप पत्र आना शेष है पुलिस से रिपोर्ट कॉल की गई है, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कल फिर न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। और जिन मामलों में अपराध की दंड कम है उन मामलों में नजदीक की तारीख लगाई गई है, और जिनमें अपराध की गंभीरता ज्यादा है उनमें प्रोसिक्यूशन को अवसर दिया गया है, उसमें 8 से 10 दिन की तारीख लगाई। क्या नाम है आपका? अरुण प्रकाश सक्सेना।